हेलो गाइस, वेलकम टू रेगिया सर यूट्यूब चैनल। और गाइस, फाइनली हमारा इन्फिनिक्स हॉट 8 यहाँ पर आ चुका है और आज की स्टूडियो में करेंगे यहाँ पर इसकी अनबॉक्सिंग और हैंड्स ऑन रिव्यू दूंगा और आपको एक क्विक रिव्यू दूंगा कि क्या आपको यहाँ पर रिटेल बॉक्स में देखने को मिलता है, कैसा कुछ यहाँ पर मेरा इनिशियल इंप्रेशन रहता है। आज की स्टूडियो में सारी चीज़ें आप लोगों के साथ मैं शेयर करने वाला हूँ, तो उसी बात पर कर देना एक वीडियो को लाइक। ये वीडियो का लाइक का टारगेट रखते हैं 1000 लाइक्स का, आई होप यहाँ पर आप कर दोगे। सो गाइस, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर है इन्फिनिक्स हॉट 8 का रिटेल बॉक्स, जिन्हें मैंने परचेज करा फ्लिपकार्ट से 7000 की प्राइस पॉइंट पे। बॉक्स आप देखोगे तो यहाँ पर आपका फ़ोन का यहाँ पर फोटो बना हुआ है और 464 अलॉट एक्स्ट्रा लिखा हुआ है। साथ में यहाँ पर हॉट 8 है। और अगर आप बैक में देखते हो तो कुछ की स्पेसिफिकेशन यहाँ पर मैंशन करे गए और आपको यहाँ पर सारी चीज़ें देखने हैं तो आप देख सकते हो सार वैल्यू वगैरह और मेड इन इंडिया, ये बट काफ़ी अच्छी लगी है। तो चलिए जल्दी से यहाँ पर इसे अनबॉक्स कर लेते हैं, देख लेते हैं हमें क्या कुछ पर रिटेल बॉक्स में कंटेंट देखने को मिलता है। तो यहां पर इसे रख देते हैं साइड में, आ जाते हैं हमारे बॉक्स की तरफ। तो सबसे पहले तो आपको डिवाइस देखने को मिल जाता है, आप देख सकते हो इन्फिनिक्स हॉट 8 है और यहां पर कुछ इस तरीके का है। तो चलिए पहले इसे साइड में रख देते हैं, बाकी की सारी चीजें देख लेते हैं। तो ये इसे हम हटा देते हैं। तो यहां पर आपको एक माइक्रो यूएसबी केबल देखने को मिल जाता है, जैसे कि आप देख सकते हो। साथ में यहां पर आपको एक चार्जर देखने को मिलता है जो कि साइज में काफी बड़ा है, लेकिन यहां पर अगेन आपको 5 वोल्ट 2 एंपियर का चार्जर रेटिंग देखने को मिलती है। तो एक नॉर्मल चार्जर है, मेड इन इंडिया यहां पर भी लिखा गया है, तो इसे भी रख देते हैं साइड में। सिम इजेक्टर पिन इतनी तमीज से रखी गई है, काफी अच्छा लग रहा है कि अलग से एक पैकेट में रखे क्योंकि घूम हो जाता है। तो ये चीज इन्फिनिक्स की काफी बढ़िया लगी, वैसे हमारे काम आने वाला है तो यार नीचे गिर गए, चलिए इसे बाद में देख लेंगे। साथ में यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर आपका एक्स क्लब वगैरह है और गूगल फाइल्स का यहाँ पर पेपर वगैरह देखने को मिलता है। साथ में यहाँ पर आपको जो है मैनुअल्स है, बुकलेट वगैरह आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है, उसे भी साइड में रख देते हैं। और हमारी पिन भी मिल गई, यहाँ पर गिरी हुई थी, इधर रख देते हम फिलहाल के लिए। और यहाँ पर एक आपको अच्छी क्वालिटी का केस मैं बोल सकता हूँ देखने को मिलता है, काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर एकदम से चीप वाला नहीं है, अच्छा फ्लिम्सी नहीं है एकदम से, यहाँ पर थोड़ा सी अच्छी क्वालिटी का लग रहा है। और आप देख सकते हो बैक में काफ़ी ज़्यादा आपको पैटर्न देखने को मिल रहा है, तो ये आपका ग्रिप बनाने में भी काफ़ी अच्छा लगेगा। वैसे डिवाइस पर लगा के मैं आपको बताने वाला हूँ। और यहाँ पर आपको एक लास्टली स्क्रीन गार्ड देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत ही कम या नहीं के बराबर ब्रांड प्रोवाइड कराते, तो इन्फिनिक्स में यहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है। तो चलिए सारी चीज़ों को साइड में रख देते हैं, आ जाते हैं हमारे मेन डिवाइस की तरफ। तो ये है हमारा इन्फिनिक्स हॉट 8, चलिए इसको अनरैप कर देते हैं। ओह, बहुत ही बढ़िया फीलिंग है यहां पर ये चीज करने में। और साथ में आगे का भी निकाल देते हैं। ओहो, बहुत अच्छा लगता है यार ऐसा करने में। साथ में आप देख सकते हो यार काफ़ी, एक चीज़ तो मैं पहले ही नोटिस कर लिया, डिवाइस काफ़ी बड़ा है और हैवी, आप बोल सकते हो अच्छा खासा वेट आपको देखने को मिल जाता है। लेकिन इनिशियली उठा के साथ में आपको बोल सकता हूँ वेट डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी अच्छा करा गया है, तो एकदम से हैवी नहीं लग रहा है, ठीक ठाक यहाँ पर आपको हैवी देखने को मिल रहा है। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं फिजिकल ओवरव्यू की। तो यहाँ पर आपको 6.52 इंच का एक डिस्प्ले देखने को मिल जाता है वाटर ड्रॉप नॉच के साथ में। साथ में यहाँ पर आपको 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा और ईयरपीस देखने को मिल जाता है। बैक साइड में अगर हम देखेंगे तो यहां पर आपको ट्रिपल रियर कैमरा मिलता है, क्वाड एलईडी फ्लैश है, फिंगरप्रिंट स्कैनर है, इन्फिनिक्स की ब्रांडिंग है, हॉट लिखा हुआ है, हॉट डिजाइन बाय इन्फिनिक्स। राइट साइड में अगर हम देखेंगे तो वॉल्यूम अप एंड डाउन का बटन है, पावर ऑन एंड ऑफ का बटन आप देख सकते हो, यहां पर हल्का सी टेक्सचर मिल जाता है तो फील करने में आसानी रहेगी। साथ में अगर हम यहां पर देखते हैं तो यहां पर आप लेफ्ट साइड में देख सकते हो सिम ट्रे देखने को मिल जाती है। तो यहां पर हम खोल के जल्दी से आपको इसकी कॉन्फिगरेशन बता देता हूं। सो गाइस, यहाँ पर आप डायरेक्टली देख सकते हो ट्रिपल कार्ड स्लॉट देखने को मिलता है। इतनी स्टोरेज देने के बाद भी इन्फिनिक्स ने हमारी सोचा, तो इन्फिनिक्स के लिए तो डेफिनेटली एक थम्स अप तो जाता है मेरी तरफ से कि ट्रिपल कार्ड स्लॉट यहाँ पर प्रोवाइड कराए। साथ में टॉप पे अगर आप देखोगे तो एकदम से प्लेन है, कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलता है। बॉटम में आप देखोगे तो मेन माइक्रोफोन है, 3.5mm हेडफोन जैक है, यूएसबी के लिए आपको यहाँ पर पोर्ट दिया हुआ है और एक आपको स्पीकर देखने को मिल जाता है। तो चलिए हम यहाँ पर डिवाइस को मैं बूटअप वगैरह कर देता हूँ, उसके बाद मैं अपने इनिशियल इंप्रेशन जो आप लोगों के साथ होगा। जल्दी से मैं आपको एक स्पेसिफिकेशन ओवरव्यू दे देता हूँ। ये हमारा इन्फिनिक्स हॉट 8, यहाँ पर आपको 6.52 इंच का एक HD+ रेजोल्यूशन वाला मैसिव डिस्प्ले मिलता है HD+ रेजोल्यूशन के साथ में, वो भी वाटर ड्रॉप नॉच है। एज वेल एज यहाँ पर आपको 4GB की रैम मिलती है, 64GB की स्टोरेज है, मीडियाटेक का Helio P22 मिलता है जो कि 12nm टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है। बैक में आपको ट्रिपल लेयर कैमरा
कैमरा मिलता है, 13+2+ आपको एक नाइट मोड का कैमरा देखने को मिलता है, साथ में 8 मेगापिक्सल का आपको सेल्फी कैमरा भी है, 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, फिंगरप्रिंट स्कैनर, फेस अनलॉक, पाई आउट ऑफ द बॉक्स आपको देखने को मिल जाता है। तो चलिए अब मैं ऑफिस से मैं अपनी सारी डिटेल्स इसमें डाल देता हूँ, उसके बाद मैं अपने इनिशियल इंप्रेशन, फर्स्ट इंप्रेशन, कुछ कैमरा सैंपल, साउंड क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी, सारी चीज़ें मैं आपको बता। इस केस के साथ में तो आपको बताना ही भूल गया था, कुछ इस तरीके का यहाँ पर आपको डिवाइस देखने को मिलता है। केस जो है वो परफेक्टली फिट है, आप देख सकते हो एक एक कटआउट्स आपको काफ़ी अच्छा यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, और यहाँ पर अच्छी तरीके से यहाँ पर आपको जो पैटर्न वगैरह भी देखने को मिलता है। ये ग्रिप काफ़ी देता है, अगर आप पैसा पकड़ोगे तो यार एकदम से आपके हाथ में चिपक सा जाएगा, और यहाँ पर जो पैटर्न के हिसाब से काफ़ी ज़बरदस्त लग रहा है। लेकिन एक चीज़ कमी लगी है कि ये चीज़ दे दिए तो यार जो बैक में आपका जो ग्लॉसी पैनल है वो आपका एकदम से छुप जाता है, तो वो चीज़ आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगी। लेकिन प्रोटेक्शन अगर आपको चाहिए तो डेफिनेटली आप केस इस्तेमाल कर सकते हो, और यहाँ पर भी आप देख सकते हो फ्रंट से भी थोड़ा उठा हुआ है, तो ये भी आपके डिस्प्ले को बचाने में हेल्प करेगा। सो गाइस फाइनली यहाँ पर मैंने अपनी सारी चीज़ें डाल दिया, ये डिवाइस को थोड़ा यूज़ करो, अब मैंने इनिशियल इंप्रेशन आप लोग के साथ में शेयर करूँगा। सबसे पहले तो यार मतलब ओवरऑल जो है इन्फिनिक्स ने काफ़ी यहाँ पर अच्छा रखा है इसका वेट डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था डिवाइस हाथ में काफ़ी बड़ा लगता है। डेफिनेटली अगर आप वन हैंड यूज़र हो तो वो आप यूज़ नहीं कर सकते हो, डेफिनेटली जो साइज़ है वो काफ़ी बड़ा है। चलिए मेरे पास अभी एक यहाँ पर रियलमी 5 प्रो है, कंपेरिजन में आप देख सकते हो रियलमी 5 प्रो और इसमें आपको इतना फ़र्क देखने को मिल जाता है, और डिस्प्ले में भी आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा आपको यहाँ पर डिफरेंस देखने को मिलता है। तो रियलमी 5 प्रो से भी डेफिनेटली ये फ़ोन मुझे बड़ा लगा है। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो इसमें आपको देख सकते हो पॉलीकार्बोनेट बैग है, तो स्मजेस कितनी जल्दी आपको देखने को मिल जाते हैं। मैंने पर्पल कलर का, दिखने में काफ़ी ज़बरदस्त है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि केस के साथ में यूज़ करना, क्योंकि स्क्रैचेस आने के चांसेस भी ये फ़ोन में काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि ग्लॉसी पैनल है, स्मजेस आप देख सकते हो कितना जल्दी आपको देखने को मिल जाते हैं। चलिए अब इनिशियल इंप्रेशन की बात करें तो यहाँ पर आपका XOS UI देखने को मिल जाता है, अभी इनिशियल इंप्रेशन के हिसाब से काफी स्मूथ चल रहा है। ब्लोटवेयर्स की अगर हम बात करें तो आपको काफी भर के ब्लोटवेयर यहां पर दिए गए, अब अनइंस्टॉल कर सकते हैं नहीं वो मैं आपको बता देता हूं। यहां पर इसे टैप करके रखते हैं, अनइंस्टॉल दबा देते हैं, तो यस डेफिनेटली यू कैन अनइंस्टॉल दैट, तो ये अच्छी चीज है, आपको यहां पर ये चीज देखने को मिल जाती है। तो चलिए अब जल्दी से मैं आपको यहाँ पर स्टोरेज वगैरह और आपको एंड्रॉयड वर्जन वगैरह बता देता हूँ। तो स्टोरेज में अगर आप जाओगे तो 64 GB एक ही स्टोरेज वेरिएंट आता है, तो जो आपको फ्री स्पेस है आप देख सकते हो 52 GB के आसपास देखने को मिल जाती है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल के लिए यहाँ पर जो है सफिशेंट रहने वाली है। और अबाउट फोन सिस्टम में अगर आप जाओगे तो आप देख सकते हो क्लियरली XOS चीता 5.0.2 पे यहाँ पर ये रन कर रहा है, और पाई आउट ऑफ द बॉक्स आपको देखने को मिल जाता है, तो कुछ इस तरीके के यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो चलिए इसका फिंगरप्रिंट स्कैनर वगैरह की स्पीड में आपको बता देता हूँ, मैंने यहाँ पर ऑलरेडी डाल के रखा हूँ, तो जिसके आप यहाँ पर देख सकते हो टैब अनलॉक टैब अनलॉक टैब अनलॉक टैब, तो काफ़ी रिलायबल है, मैं ये नहीं बोलूँगा फास्टेस्ट है लेकिन फास्ट इनफ है, स्लो नहीं है। अब यहाँ पर फेस अनलॉक की बात कर लेते हैं भाई कैसा हमें देखने को मिलता है, तो आप देख सकते हो मेरी सारी उंगली नीचे है, अब यहाँ पर देखते हैं, देख सकते हैं आप। सो अगेन मैं बोलूँगा फास्ट है लेकिन फास्टेस्ट नहीं है, हल्का सी मिली सेकेंड्स का यहाँ पर थोड़ा डिले आपको देखने को मिल जाता है। चलिए अब यहाँ पर इतना बड़ा सी डिस्प्ले इन्फिनिक्स ने प्रोवाइड कराया तो इस पर आपको वीडियो की यहाँ पर एक्सपीरियंस कैसा मिलेगा वो भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। चलिए एक यहाँ पर वीडियो हम लगा देते हैं यूट्यूब पे, 4K कोई भी वीडियो हम लगाते हैं, और यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर ये वीडियो मैं आपको बता देता हूँ। चलिए ऐड, यार ऐड आना ही आना है, हमेशा आता है और इसमें भी आ चुका है, तो चलिए स्किप वाला आई थिंक सो रहेगा। ओके दो ऐड वाले, यार इसका भी वेट करना पड़ेगा, क्या कर सकते भाई मजबूरी है। सो गाइस यहाँ पर आ जाते हैं हमारा, चलिए आपको मैं क्वालिटी बता देता हूँ आपको ये डिस्प्ले में कैसा मिलेगा। पिंच वाला आपको फीचर, जूम वाला फीचर मिल जाता है जो कि आप देख सकते हो, क्वालिटी अब यहाँ पर आप ध्यान दो, जिसके आप देख सकते हो यार कलर वगैरह काफ़ी आपको पंची टाइप के देखने को मिल रहे हैं, और अच्छा लग रहा है डिस्प्ले में, काफ़ी स्मूथ चल रहा है, लैग वगैरह भी देखने को नहीं मिल रहा है, और ओवरऑल डिस्प्ले डेफिनेटली मीडिया कंजम्पशन अगर आप ज़्यादा करते हो तो डेफिनेटली ये डिस्प्ले पे आप इंजॉय करने वाले हो। काफ़ी ज़्यादा आप देख सकते हो ग्रीन वगैरह काफ़ी हाईलाइट होकर आपको देखने को मिल रहा है, सो डेफिनेटली यहाँ पर जो है आप डेफिनेटली मीडिया इंजॉय करोगे 7000 में, भाई इससे ज़्यादा आप क्या लोगे। सो हम आगे ग्रीन से हटा के कोई दूसरा कलर देख लेते हैं, चलिए तो पूरा आपको फॉरेस्ट बता देगा अगर मैं पूरे वीडियो बताऊंगा, तो इनिशियली आपका आइडिया मिल चुका रहेगा कि आपको डिस्प्ले पैनल कैसा मिलता है। मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट पैनल है अगर आप प्राइस पॉइंट को देखते हो तो।
सो गाइस अब बात कर लेते हैं यहाँ पर इसके कैमरे के बारे में। तो कैमरा आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का, यहाँ पर आपको यूआई देखने को मिलता है। और एक चीज़ मैंने नोटिस करा हो कि मतलब कैमरा एप्लीकेशन आप खोलते हो तो एकदम से इसकी ब्राइटनेस या इसको गुस्सा आ जाता है, पता नहीं क्या आता है, लेकिन जो ब्राइटनेस आप देख सकते हो कितना बढ़ा देता है। अब सेटिंग्स में डिटेल में जाके मुझे चेक करना पड़ेगा। तो आपको कुछ इस तरीके मिलता है, यूआई वगैरह आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा, यहाँ पर आपको फीचर रिच यूआई देखने को मिलता है। वीडियो रिकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो रेयर कैमरे से आप 1080p पे कर सकते हो। सेल्फी कैमरा में भी एक बार चेक कर लेते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो 1080p पे यहाँ पर भी आप कर सकते हो। और सेल्फी कैमरे में भी उतने फीचर मिलते हैं जितने कि आपको रेयर कैमरे में मिलते हैं। AR शॉट देख सकते हो, बॉल आके लग रहा है। तो ये सब काफ़ी अच्छा यूनिक फीचर यहाँ पर इन्फिनिक्स ने फीचर तो काफ़ी ज़्यादा दिया है। चलिए अब मैं यहाँ पर आपको कुछ पिक्चर सैंपल्स बता देता हूँ इनिशियल इंप्रेशन के हिसाब से। जैसे कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हो, अभी फिलहाल के लिए तो मुझे यहाँ पर डिसेंट शॉट लग रहे हैं। डे लाइट में मैंने सारी इमेजेस लिया हूँ, देख सकते हो आर्टिफिशियल में भी ठीक ठाक सी इमेजेस आ जा रही है। सेल्फी कैमरा यहाँ पर इमेज देख सकते हो, यहाँ पर भी आपको डिसेंट इनफ अभी के लिए यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो ये कुछ यहाँ पर पिक्चर सैंपल्स से मेरे इनिशियल इंप्रेशन थे और आप बोल सकते हो क्विक रिव्यू था यहाँ पर इन्फिनिक्स हॉट 8 का। बाकी आपको यहाँ पर इन्फिनिक्स हॉट 8 की यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है, FAQ वीडियो चाहिए या आपको कैमरा रिव्यू चाहिए, गेमिंग रिव्यू चाहिए, टिप्स एंड ट्रिक्स का वीडियो चाहिए, मुझे जरूर बताना नीचे कमेंट्स में। आई होप कि मतलब सबको वीडियो पसंद आई होगी। और गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता है आपसे अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।